हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पायनियर अपडेट्स में। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का पोर्शन हम यहाँ पे कवर करेंगे। मध्य प्रदेश पीएससी का एग्जाम भी यहाँ पे कुछ दिनों में आने वाला है और यहाँ पे मैं 5 नियुक्तियाँ लेकर आया हूँ, मीन्स 5 अपॉइंटमेंट्स, और 5 मिनट के अंतर्गत ही इसको मैं आपको यहाँ पे पूरा बता दूंगा। और जरूरी नहीं है ये सवाल जो है मध्य प्रदेश पीएससी में भी आए। मध्य प्रदेश में अभी जितनी भी भर्ती आने वाली है कुछ समयों में, चाहे वो पुलिस भर्ती हो चाहे किसी अन्य विभाग की भर्ती हो, ये 5 सवालों में से ये जवाब आपको यहाँ पे आने चाहिए। और इनके आपको जो है सवाल आपको प्रश्न पत्र में देखने को जरूर मिलेंगे, जो भी यहाँ पे मध्य प्रदेश की परीक्षा होने जा रही है कुछ भी दिनों में। और यहाँ पे देखिए, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करते हैं, आप लोगों को मैं यहाँ पे 5ों नियुक्तियों के नाम बताऊंगा। आप लोगों को एक एक करके इसको यहाँ पे ध्यान से देखना है और इनको याद कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली नियुक्ति के बारे में बात करते हैं, गवर्नर के बारे में बोला जा रहा है। देखिए, गवर्नर जो है, राज्यपाल कहते हैं इसको, मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में जो राज्यपाल हैं वो है यहाँ पे लालजी टंडन। तो इनका नाम मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो इनका नाम मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, लालजी टंडन। ये मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं और इनको राज्यपाल भी कहते हैं, और राज्यपाल का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, ये मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे शपथ दिलाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे कमलनाथ जी हैं और कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, गवर्नर का नाम जो है मध्य प्रदेश के वो है यहाँ पे लालजी टंडन। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी जो नियुक्ति है वो है यहाँ पे होम मिनिस्टर। तो मध्य प्रदेश के यहाँ पे गृह मंत्री कौन से हैं, तो उसका नाम भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे गृह मंत्री हैं वो है यहाँ पे बाला बच्चन। तो यहाँ पे मैं नीचे इनका नाम लिख देता। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इनका नाम लिख दिया है, बाला बच्चन जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए, फाइनेंस की बात हो रही है, मींस वित्त मंत्री जो भी है, पैसों का देख रेख है उसके लिए जो यहाँ पे कैबिनेट का जो मंत्री है मध्य प्रदेश में, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है यहाँ पे तरुण भनोत। तो इनका भी नाम मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे आप सभी लोगों को इसका जवाब आना चाहिए। तो इसका नाम मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3 नियुक्तियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं और यहाँ पे आप सभी लोग को जो अगली नियुक्ति है, अगला अपॉइंटमेंट है मध्य प्रदेश का, ये है यहाँ पे खेलों से रिलेटेड, मीन्स यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो खेल मंत्री है, तो इनका नाम यहाँ पे क्या है। तो देखिए, इनका नाम मैं इनके आगे लिख देता हूँ, जीतू पटवारी नाम है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है और काफ़ी चर्चे में रहते हैं। तो जीतू पटवारी यहाँ पे मध्य प्रदेश के खेल मंत्री हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं नाम, नीचे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, जीतू पटवारी। अगला जो यहाँ पे सबसे अंतिम और सबसे पूछा जाने वाला जो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट रहने वाला है मध्य प्रदेश की हर भर्तियों में आपको ये देखने को मिलेगा, वो है यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पे नियुक्ति है, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इमरती देवी। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, इनका नाम यहाँ पे लिख देता, तो इनका भी नाम मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ लिख दिया है, मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है इमरती देवी जी हैं। और यहाँ पे मैंने आपकी 5ों अपॉइंटमेंट्स जो है, तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो लालजी टंडन हैं, और यहाँ पे देखिए इससे पहले जो गवर्नर थी आनंदी बेन पटेल थी, ठीक है, उनको हटा के लालजी टंडन जी बने, तो यहाँ पे इनका नाम है, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर का बता दिया, बाला बच्चन है, और यहाँ पे इनका नाम बाला बच्चन आपको याद रखना है। अगला जो था यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त का काम करते हैं और पैसों का जो भी हिसाब रहता है, तो वो है यहाँ पे उनके लिए मंत्री जो है तरुण भनोट, उनका नाम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, खेल मंत्री। और ये 2 अपॉइंटमेंट आपको जरूर आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। तो खेल मंत्री है हमारे मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, और इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको आपको याद रखना है, इमरती देवी इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। कोई भी भर्ती रहेगी आपको ये 5ों अपॉइंटमेंट में से 2 या 3 अपॉइंटमेंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आपको ये पढ़ के जरूर जाना है। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और जब कभी भी आप लोग जब अपना एग्जाम देने जाएं तो इसको यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लें। आगे मैं और भी वीडियो डालने वाला हूँ, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी जो है नियुक्तियाँ हैं, खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन है और पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा। तो पूरा अपडेट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, 5 मिनट के अंतर्गत ही मैंने आपको बताई है पूरी बात, जैसा कि मैंने आपको लिखा है। लाइक कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिए, और नीचे देखिए जाइएगा इस वीडियो के यहाँ पे सब्सक्राइब का एक बटन मिलेगा, इसी तरीके के अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और भी मैं आगे वीडियोस डालने वाला हूँ जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, खेलों से रिलेटेड है, और जितने भी मध्य प्रदेश में अलग अलग यहाँ पे जो भी संस्कृति है, कल्चर है, सारे मैं आपको वीडियो कवर कराऊंगा, और वो सवाल आपको प्रश्न पत्र में देखने को जरूर मिलेंगे। तो अभी चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे जाइए, आपको आगे के अपडेट्स इसी तरीके से मिलते रहेंगे। थैंक यू का मैसेज भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से प्राप्त हुई है। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।